Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right. So आज के सभी के आज जो हमने कल जो सेशन कंडक्ट किया था वो था 22nd पे हमने कल कंडक्ट किया था और आज की तारीख है 23 सितंबर 2021 ठीक 6:04 हो चुके हैं और हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। हालांकि आज ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा लेकिन फिर भी हम आज इस सेशन के साथ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो द कंसर्न इज यस्टरडे वी हैव सीन राइट यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन दैट इज व्हाट इज फाइल व्हाट इज फोल्डर एंड हाउ वी कैन एक्चुअली अरेंज अवर डेटा और लेट्स से अवर एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वी वांट as per our needs and requirement. कल के सेशन में हमने देखा कि हमें हमारा डेटा कैसे रखना चाहिए था, है ना, मतलब कैसे रखना चाहिए बेसिकली। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था फिजिकल फाइल्स का जिसमें फोल्डर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप अपने उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एक तरफ, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक तरफ, आप जिस प्रोफेशन में काम करते हो उस प्रोफेशन से रिगार्डिंग अगर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं तो उन चीज़ों के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आप फोल्डर के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक फ़ायदा ये भी है कि जो फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको जब ज़रूरत पड़े तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज वैसे तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, सो अभी जो है हम देखेंगे हमारा दूसरा पार्ट। ओके, ये अनम्यूट किसका था? वीवो 1820। ओके, वीवो 1820 अभी ज्वाइन किया था ना, इसलिए म्यूट था। ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए अभी अपने आपको प्लीज। नाज़नीन, मैं आपको कोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो अभी जो है हम चलेंगे हमारा जो टॉपिक है फाइल्स एंड फोल्डर्स का, उसका पार्ट टू, ठीक है। तो हमने कल ये तो देख लिया कि ड्राइव क्या होते हैं, ठीक है, ड्राइव्स हम कैसे पार्टीशन कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप का, जो भी आप खरीद रहे हो उस चीज़ का, ठीक है। सी कॉलन में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, या डी कॉलन में क्या रखना चाहिए, ठीक है। हमने ये सब भी देखा था, हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देखे थे। जो लोग कल सेशन में नहीं थे वो लोग अपनी वो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है, वो रोज़ के रोज़ अभी अपलोड हो रही है अपने ड्राइव पे, ठीक है। सो वो भी अपलोड हो रही है तो आप वहाँ से भी आपको उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। और होपफुली इस वीकेंड में या फिर अगले वीकेंड में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि तब तक आपका बेसिक ऑपरेशंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम एमएस ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम देखेंगे पार्ट टू। तो पार्ट टू में हमने क्या देखेंगे, तो पार्ट वन में हमने देखा था सारे ऑप्शंस रिगार्डिंग फोल्डर, ओके, द ऑप्शंस रिगार्डिंग फोल्डर, लाइक द थिंग्स रिगार्डिंग फोल्डर्स, ओके। फर्स्टली हमने देखा था हाउ टू क्रिएट द फोल्डर्स, राइट, हाउ टू रीनेम देम, हाउ टू डिलीट, हाउ टू परमानेंटली डिलीट, इतना हमने सीख लिया था, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी ऐसा कोई बंदा है जो लैपटॉप से ज्वाइन हुआ है, रेज योर हैंड्स। कासिम, आप ज्वाइन हुए हो लैपटॉप से? यस सर।
ऑलराइट जी फाइन, तो आपने करके भी देखा होगा, आपको पता भी होगा। यस सर। इजंट इट? यस। ठीक फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन सीखेंगे, ठीक है, सिलेक्शन सीखेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन सीखेंगे, और उसके बाद कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, इतनी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमें सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। रेज योर हैंड्स। सिलेक्शन, व्हाई वी सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग? ओके, दो, यस, हाँ हाँ, ऑल राइट, यस, पांच, ऑल राइट, सिक्स, सेवन, ओके, एट, हाँ हाँ, सुपर कूल, ऑल राइट, सो गुड 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 काउंट, ओके, सो यस, महक शूट। सर कौन सी वाली? सहरावत। सर एक्चुअली सिलेक्शन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज को हमें या तो रीनेम करना हो या पर्टिकुलर चीज को कॉपी पेस्ट करना हो, तो उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा किस चीज को हम करना चाहते हैं। वो तो ठीक ही है, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, हम सिलेक्शन के क्यों करते हैं हर चीज का अपने लाइफ में? वो तो टेक्निकल टर्म्स में हुआ। हाँ। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। सिलेक्ट करना बेसिकली उस चीज को या तो मॉडिफाई करना, उसमें चेंज लाने के लिए। ओके, ऑलराइट मैक, थैंक यू। ओके सो अच्छा, गैलेक्सी J6 कौन है? गैलेक्सी J6? यस सर, मैं ख्याति। यस ख्याति, बोलो। सर सॉरी, अभी रीनेम कर लिया मैंने खुद को। बोलो बोलो। सर एक्चुअली सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सारी चीजों में से हम बेस्ट चुन सके, जो हमारे लिए सबसे बेटर हो। ओके, ऑलराइट, मुझे एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, ठीक है, आप चाहो तो। यस सर, जैसे कि सर अगर मुझे कीबोर्ड परचेस करना है तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगी कि कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा और कौन सा मेरी रेंज में जो मैं खरीद सकती हूँ, मेरे बजट में आ रहा है, तो वो सब मैं सेलेक्ट करके देख और उसके बाद में मैं उसे सेलेक्ट करूंगी, फिर परचेज करूंगी। ऑलराइट, राखी आप बोलो। सर सेलेक्ट इसीलिए जरूरी है, जैसे हम किसी स्टोरी को लिखते हैं, मतलब कुछ लिखते हैं, और अगर हम उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो शायद अगर उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते तो सर वो पूरी तरह से कॉपी नहीं हो पाएगा, या जहां हम पेस्ट करना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से ना हो पाए, इसीलिए सेलेक्ट करना जरूरी है। yes. शायद। ऑलराइट, सो यस गाइस, नीरज आप बताओ। यस सर, हम किसी चीज को सेलेक्ट इसलिए करते हैं, हमें वर्तमान में उस चीज की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसको मैं सेलेक्ट इसलिए करता हूँ सर कि वहां पे उस चीज की आवश्यकता को पूरी की जा सके। ओके, ऑलराइट, फाइन, यस, वीओ 1812 कौन है? यस सर, प्रिया। यस प्रिया, बोलो आप। सर जैसे बेसिकली सर हमारे सामने बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं रीड करने के लिए, तो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना कि कौन सी हम पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी हमारे आगे सब्जेक्ट में काम आए, इसलिए सर सिलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। यस पुष्पेंद्र।
पुष्पेंद्र ऑलराइट मोहित अशरफ तब तक बात बताइए आप। यस सर पुष्पेंद्र पाल। हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? यस बोलो पुष्पेंद्र। यस सर हम ना सर से अपनी लाइफ में सिलेक्शन का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम यदि हमें कई सारी चीजें हैं हमारे पास तो उसमें से हम बेहतर चुन सकें, है ना, बेहतर चुन सकें या उस पर हम जैसे मैं 5 काम करने हैं तो मैं 5 के 5 एक साथ करूंगा तो नहीं हो पाएगा ना, भी रहता है कि मुझे पहले कौन सा काम करना है, किसको मैं चुनूं, किसको सेलेक्ट करूं, तो सिलेक्शन है इसलिए सर। ओके यस थैंक यू। लास्ट शेयरिंग पल्लवी। सर कोई भी चीज हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें उसका यूज करना रहता है, दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग। ओके पुष्पेंद्र आप म्यूट करो प्लीज। यस हाँ ठीक है। सो यस पल्लवी जी थैंक यू। और गाइस आप सबने जो जो बताया वो सब ठीक ही था, ठीक है। हेलो पुष्पेंद्र सर अभी मेरा नहीं हुआ। हेलो यस डियर हेलो आ रही है बोलो। ये कौन बात कर रहे हैं? तरुण मैंने आपको बोला है ना, अपने क्लास का रूल बताया है, अगर इसके बाद आप तोड़ोगे रूल को तो आपको सिरे बाहर निकाला जाएगा क्लास से। नहीं सर मैंने रेज हैंड कर रखा काफी। हाँ तो रेज हैंड कर रखा था आपको, जब बोला गया है कि जब आपका नाम लिया जाएगा तभी आपको बताना है, isn't it? Okay, sir. Yes. All right. So, yes. All right, members. ठीक है गाइस, तो हमारे लिए जरूरी क्यों हो जाता है सिलेक्शन लाइफ में, अपने लाइफ में, ठीक है वो तो कंप्यूटर की बात तो ठीक हम कर ही लेंगे। All right. इसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं, सिरे ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है, मीटिंग से बाहर, फिर आज की क्लास मिस हो जाएगी, जो भी हो जो भी खुद से अनम्यूट करेगा। ऑलराइट यस ऑलराइट। सो अभी हम जो देख रहे हैं वो ये कि सिलेक्शन हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इजंट इट। अब मान लीजिए कि आप अगर किसी मान लीजिए अगर खाने की बात करेंगे, ठीक है, तो खाने में हम हमेशा क्या देखते हैं, अपने लिए खाने के लिए अच्छा क्वालिटी का देखते हैं, इजंट इट। अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पूना में मतलब वड़ा पाव वैसे सभी तरफ मिलता होगा, ठीक है, लेकिन पूना में जो है कुछ फेमस ब्रांड है, ठीक है, वो फेमस क्यों है, क्योंकि उनके अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, उनके अपने अपने अलग अलग उसूल हैं जो वो हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है, जब भी वो बिजनेस करते हैं, तो जिसके चलते वो लोग थोड़े से फेमस है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हमें वड़ा पाव ही खरीदना है पूना से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो आप नए हो तो आप किसी से पूछोगे कि यहाँ पे वड़ा पाव अच्छा कहाँ मिलता है, isn't it? तो एक हमारा टिपिकल ब्रांड है पूना का, उसे हम कहते हैं जय जय गार्डन वड़ा पाव, ठीक है। तो ये वड़ा पाव बेसिकली इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी जो मतलब क्या कहेंगे, उसका साइज वगैरह वो सब मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और टेस्टी भी होता है, इसके लिए लोग उसको बहुत पसंद करते हैं पूना में, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जैसे फेवरेट ब्रांड है अपना, ठीक है, नागपुर से अगर कोई है तो मेरे ख्याल से नाजनीन है नागपुर से, ठीक है, तो नागपुर का बढ़िया मतलब बड़ा फेमस ब्रांड है,
हल्दीराम, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कुछ, मतलब बेसिकली सिलेक्शन हम क्यों करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा क्या है ये चुनने के लिए हम हज़ार चीज़ें देखते हैं और उसमें से कुछ एक या दस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन की हमारी प्रोसीजर होते हैं इन जनरल में, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आपके इस पूरे इसमें, मतलब आपके मान लो आपके पास अभी 5 आम रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपको सबसे अच्छा आम दिख रहा है, ठीक है, 5ों में से कोई एक आम सबसे अच्छा दिख रहा है अभी खाने के लिए आपके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसको उठाओगे, मतलब क्या उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे उठाना इसका मतलब है सिलेक्ट करना, अपने लिए खाने के लिए किसी चीज को सिलेक्ट करना, ओके। सो इसी तरह हमें अगर कोई भी फाइल्स या किसी भी फोल्डर में कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो उसको पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ओके। अब वो सिलेक्शन कैसे होगा वो देखेंगे पहले तो, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ऑलराइट, नाज़रीन मेरी आवाज आ रही है? यस, फाइन, ओके। सर जॉस की स्पीड को स्लोर, mute currently unmute, stop share left parent alt plus Ezra, faster, Windows D, folder view list view, yes, alright, so guys, meri Nishtha meri screen dikh rahi hai, yes sir, alright, thank you, okay, so ab humne dekha ki folder hume kaise create karna hai, theek hai, to main bhi wapas nahi dohraunga, theek hai, ek matlab अभी मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की यूज़ करूँगा फोल्डर क्रिएट करने के लिए। पहले तो मैं, अब मैं, हमें पहले ये तय करना है कि हमारे, हमें कौन से फोल्डर में क्या रखना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, फिलहाल के लिए लेट्स से किसके नाम से बनाऊँ अभी, ठीक है, निष्ठा के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। Local disk left parent D colon right parent items view multi select list box nuts alert participants can now see your screen. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं D colon में जा चुका हूँ और मुझे यही पे फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो एक प्रोसेस मैंने बोला था लॉन्ग कट वे का, जिसमें आप एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और फिर अप डाउन से न्यू सब मेन्यू ढूंढेंगे और वहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन चूज करके वहाँ फोल्डर का नाम डाल के आप उसको क्रिएट कर सकते हैं एंटर करके, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छी, मतलब मैंने वो प्रोसेस बताई थी आपको कि एक झटके में फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, और ये जो शॉर्टकट कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, साइटेड बंदा भी यूज़ कर सकता है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, नॉट सिलेक्टेड फॉर बैकअप डैश इज अ जंक अप, एडिट न्यू फोल्डर टाइप इन टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है एडिट न्यू फोल्डर, अभी फोल्डर का जो एडिट बॉक्स है वो खुल गया है जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है, मैं भी बनाऊंगा, आर ई डी एल ओ एफ स्पेस अप ई एन ब्लैंक ब्लैंक निष्ठा NISHTHA Nishtha, enter items view multi select list box Nishtha 9/23/2021/622 PM file folder 51 of 51, to move to an item press the zoom Nishtha, देखिए इसने बोला भी निष्ठा, मतलब निष्ठा नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अच्छा, आप अभी हमें देखना है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, मतलब क्या हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो अब मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी सी भी एक फाइल अभी अप डाउन से मूव कर रहा हूं, zoom in id yatravendra underline matajan underline biodata underline english word notes vote token thanking letter dash of india testing purpose souls arc invite dash faye zatter shweta underline resume session 1 underline deepstone online ceremony self image pune deepstone data program data priyanka underline letter priyanka poster photo pan p1 non underline verbal underline communication underline notes Monthly training report November 2019. Medical. Manable online careers notification underline 7. Lecture 1 soft skills underline revised. Invitation letter. IMG-202-IMG-Google Drive link. Employee. Disability certificate. Bank details. Assignment underline lecture 1. Aged and disabled. Author. Sonu.
Sanjita, Sajita, Raja, Punam Sharma, Bracket, Pragati, Novels. ठीक है, तो ये सारे मेरे इतने सारे मेरे कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे एक टाइम में अगर एक ही कॉपी करना है या एक ही कॉपी पेस्ट करना है इस निष्ठा फोल्डर में, तो मैं क्या करूँगा? Music MP3, Love, Leadist, Gadget, Phase, Deepstone Dash Data, Backup Dash Zajunkup, Deepstone Phase, Gadget, Leadist, Love. Let's say MP3, Music MP3, Novels, Pragati, Bracket, Punam Sharma, Bracket, Punam Raja, Sajita, Sanjita, Sonu, Author. अच्छा, ये फोल्डर है सोनू नाम से, ठीक है। एक्चुअली वो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसे मुझे निष्ठा के फोल्डर में डालना है, ठीक है। मतलब इसकी एक कॉपी मुझे निष्ठा के फोल्डर में भी डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप जिस भी फोल्डर पे आपका फोकस लेके जाओगे या जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका फोकस लेके जाओगे, वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। आपको उसको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फाइल की बात चल रही है, जहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या मल्टीपल फोल्डर्स सिलेक्ट करने होते हैं, वो बात बाद में आएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमने सिर्फ एक फोल्डर को अगर सिलेक्ट करना है, तो जिस मतलब जब भी आप उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जब भी आप कर्सर लेके जाओगे, जब भी आप फोकस लेके जाओगे, तब वो ऑटोमेटिकली इट विल सिलेक्ट, ओके। अच्छा, अभी सोनू नाम से ये कुछ है मेरा, ठीक है। अब इसको मैं निष्ठा के फोल्डर में डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधे कॉपी करूँगा, ठीक है। आप चाहो तो एप्लीकेशन की से भी आप देख सकते हैं, Applications, context menu, to navigate, press up or down arrow, C, open, O. ठीक है, पहला ऑप्शन है open. Open a new window, E. Open a new window. Pin to quick access, pin E. Pin to quick access. Add to Windows Media Player list, A. Play with Windows Media Player, P. Cast the device submenu, C. 7-zip submenu, CRC SHA submenu, scan with micro, give access to sub, restore preview, include in live, pin to start, send to sub, cut, E. Cut. Send to submenu, N. Send to, ये क्या होता है? हम आपको बताएंगे. Cut, E. Cut, ठीक है. Copy, C. Copy, यहाँ से भी आप cut, copy, paste कर सकते हो. Create shortcut, S. Create shortcut. Delete, D. Rename, M. Properties, R. Open, O. Open. Properties, R. Rename, M. Right? So, आप यहाँ से भी copy कर सकते हो. अगर यहाँ पे आप enter करेंगे, Delete, D. Create short, copy, C. Copy पे अगर enter करेंगे तो यहाँ से भी copy हो सकता है, ठीक है. लेकिन हमें अगर Escape, leaving menus, local disk, left parent, author, Sonu. ठीक है, अगर हमें shortcut keys पता है, ठीक है, और हम सब जानते हैं, पहले से अब यूज टू हो गए हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे कॉपी की कमांड यूज करेंगे, जो है कंट्रोल सी. अब वो सुनना क्या बोलता है, ठीक है, आराम से. एक्चुअली कॉपी सिलेक्शन फॉर क्लिपबोर्ड ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा जॉस की शायद जॉस नहीं बोल रहा, लेकिन एनवीटी ने बोल देगा, ठीक है. लेकिन वो बोलता है जब भी आप कॉपी करते हो, ठीक है, तो वो बोलेगा आपको कॉपी सिलेक्शन फॉर क्लिपबोर्ड, ओके. तो इसका मतलब क्या कि ये कॉपी हो चुका है, अब आपको पेस्ट करना है कहीं पे, ठीक है. उस प्रोसीजर को पूरी करने के लिए आपको पेस्ट करना है, तो मैं निष्ठा नाम का जो मेरा फोल्डर है वो ढूंढूंगा एन से, इसी में है क्योंकि वो N, non-underline, verbal, underline, N, निष्ठा आ गया. यहाँ मैं एंटर करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, एंटर निष्ठा आइटम्स न्यू लिस्ट बॉक्स टू मूव टू एन आइटम प्रेस द एरो कीज, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके. अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे जैसे कॉपी का ऑप्शन आया था, यहाँ पे एप्लीकेशन की से आपको पेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा. Applications, context, sort by, group, refresh, customize, paste, देखो यहाँ पे उसने बोला भी पेस्ट, क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट किया था कॉपी करने के लिए, तो वो कॉपी कर लिया, ठीक है. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो जो कॉपी किया था, लेकिन अगर हमें यहाँ से नहीं करना है तो वो है कंट्रोल वी पेस्ट. कॉपीइंग 46% कंप्लीट, कॉपीइंग 72 आइटम्स फ्रॉम लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट डी कोलन राइट पेरेंट अनिष्ठा डैश 44% कंप्लीट, पॉज द ऑपरेशन, चेक बॉक्स नॉट चेक्ड, चेक प्रेस स्पेस बार. ठीक है गाइस, वो कॉपी हो रहा है. 100% complete window, Nishtha, items view multi select list box, Sonu 9/23/2021 6:28 PM file folder 101. ठीक है, ये एक्चुअली मेरा एक सॉन्ग्स का फोल्डर है, ठीक है. तो इसके लिए उसने जल्दी जल्दी वो कॉपी कर लिया, क्योंकि वैसे भी कम थे उसमें, ठीक है. तो देखते हैं वो फोल्डर वापस आया है कि नहीं. Items view, novels, Nishtha. ठीक है, निष्ठा. Novels,
Nishtha. Novels. Nishtha. अब निष्ठा में मैं एंटर करूंगा. Enter. Nishtha. Items view multi select list box. Not selected. Sonu. 9/12. Sonu. Yes. Sonu नाम से मेरा फोल्डर यहाँ पे आ गया है. ठीक है. अभी इसी को अगर हमें ठीक है अभी ये तो हो गया कॉपी पेस्ट. ठीक है. अब देखेंगे कट पेस्ट क्या होता है. ठीक है. कॉपी मतलब क्या बेसिकली. ओके वेट. Meeting controls to move to an alt. What is copy? When we say copy. Yes, raise your hands. Sir, please repeat the question. The question is, what is copy? Why we say that is copy? किसी चीज की copy क्या मतलब क्या होता है. 11. Okay. All right. Yes. Fine. Yes, Hemant. Shoot. Yes, sir. Copy yani kisi cheez ki nakal karna. Wo hai uski same copy, same nakal. Acha. All right. पुष्पेंद्र आप बोलो. यस सर. मतलब कि किसी भी चीज की ना सर एक सेम दूसरी प्रति तैयार कर लेना उसको बोलते हैं कॉपी कर लेना. ओके. चाहे फाइल हो फोल्डर हो या कोई हार्ड चीज हो. जैसे कई बार होता ना कॉलेजेस वगैरह में कि बुक्स की पूरी पूरी एक उसको बोलते हैं कि इसकी फोटो कॉपी करा दो. मतलब कि वो हार्ड के लिए उसकी दूसरी प्रति तैयार कर लेना. यस राइट. परफेक्ट. यस राधिका आप बताओ. आपने बात नहीं की अब तक. सर कॉपी मीन्स जैसे हम जैसे किसी चीज की डबल प्रतिभा. जैसे सर हमने एक पिक्चर बनाई है ना वो एक डिफरेंट है लेकिन अगर उसकी सेम पिक्चर बनाई जाए तो देखते हैं कॉपी. यस निष्ठा. दो जगह हो सकते एक ओरिजिनल एक नई. अगर हम ओरिजिनल उस जगह पे रखते नई जगह पे एग्जैक्ट चीज बना दे तो कॉपी होगी. मतलब वो दो जगह होगी पहले वाली जगह पे भी मिलेगी और दूसरी वाली जगह पे भी मिलेगी. राइट. परफेक्ट. यस सृष्टि आप बताओ. हेलो सर आवाज आ रही है. यस yes, आ रही है बताओ. हाँ सर मतलब एग्जैक्टली उस चीज का फोटोकॉपी मतलब वही चीज एग्जैक्टली दूसरे जगह पे उसको कॉपी बोलते हैं. गुड. यस लास्ट टू शेयरिंग महक और उसके बाद बोले गए गुरजीत सिंह. यस महक. सर आप प्लीज बता दीजिए कौन सी महक क्योंकि एक महक दीदी भी है ना मुझसे बड़ी. नहीं मुझे एक ही महक कहा तो ऊपर दिख रहा है. सर कॉपी का बेसिक मीनिंग है नकल करना. नकल. ओके ओके ऑलराइट. गुरजीत मैं आया हूं. यस सर कॉपी का कॉपी का देखा गया को कॉपी का मतलब होता है हम कहीं से कोई चीज कॉपी करें वो कहाँ से कॉपी की गई है वहाँ भी है और हम उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ कॉपी लेके जा रहे हैं. कॉपी के साथ हमारे दोनों गवाह की पगनी है. और अगर जर्नल बात करें तो किसी चीज की फोटो कॉपी या फिर किसी चीज को उसी तरीके से कॉपी कर लेना नकल कर लेना. ऑलराइट डियर थैंक यू. यू कैन म्यूट योरसेल्फ. ओके सो आप सबने बिल्कुल सही कहा कॉपी मतलब किसी चीज की नकल उतारना या फिर किसी चीज को जैसा है वैसा ही बनाना. ठीक है. ओके सो यहाँ पे यस ऑलराइट गाइस. सो अभी हम देखेंगे अभी हमने देख तो लिया कि कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं. ठीक है. अब इसी तरह देखेंगे कि कट पेस्ट क्या होता है. ठीक है. अच्छा तो कौन जानता है कट पेस्ट. कट
पेस्ट, कट पेस्ट, ओके सेवन। सर मैं बताऊं सर, आपका नाम बताइए। सज्जन कुमार सर। सॉरी सज्जन, सज्जन सज्जन, पहले बेसिक रूल अपने क्लास का ये है कि आपको हैंड रेज करना है। ओके सर। यस ओके वेट। यस प्रियंका आप बताओ। सर कट कॉपी का मतलब बेसिकली हम एक चीज को कट करके और दूसरे जगह पे पेस्ट कर देना, मतलब रख देना। अच्छा ओके ऑलराइट। यस नाज़नीन आप बताओ। यस कट मतलब कि जैसे एक जगह से उठा के हमें उसे पेस्ट करके दूसरे जगह रखना चाहिए, जैसे कि वो एक ही होगा, उसके अलावा कहीं पर भी वो हमको नहीं मिलेगा। ऑलराइट पुष्पेंद्र, सॉरी पुष्पेंद्र नहीं, पुष्पेंद्र से बात की है। मनोज, मनोज सर कट वो होता है जैसे हम किसी लोकेशन से किसी पर्टिकुलर फाइल को हम दूसरे लोकेशन में डालना है तो उसे पहले कट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट उसके पास उस लोकेशन दूसरी लोकेशन में जाएंगे, उसके बाद वहां पे पेस्ट करेंगे, तो वो कट पेस्ट हो गया। ऑलराइट यस प्रणव आपसे बात नहीं हुई, आप बताइए। Am I audible sir? Yes you are. Go ahead. Sir, cut or paste na? Hello. Yes, yes dear. बताओ। Sir मतलब कि समझो हमें मेरे नाम का फोल्डर बना है, वहाँ पर मैंने कोई फाइल पेस्ट नहीं की है और मैंने समझो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए है डाउनलोड फोल्डर में, तो हम यहाँ पर मैं कॉपी करके मेरा जो फोल्डर है उसमें पेस्ट करूंगा तो मतलब दोनों ही फाइल रहेंगी, मतलब सेम फाइल रहेंगी, तो मैं हाँ बताओ यस पूरी करो अपनी बात। मतलब डाउनलोड में मतलब डाउनलोड फोल्डर में से मैंने ये कॉपी करके पेस्ट किया तो ये दोनों फाइल मतलब सेम रहेगी, तो मैं डाउनलोड फोल्डर में से कट करूंगा और जो मेरा नाम का फोल्डर है वहां पर पेस्ट करूंगा तो एक ही फाइल रहेगी। हाँ तो वो कहाँ से कट होगी? डाउनलोड फोल्डर में से। राइट मतलब जहाँ से आपने कट किया उस फोल्डर को वहाँ वो नहीं रहेगी, जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहाँ वो चली जाएगी। यस ओके सो ये बेसिक फर्क है कट और कॉपी का, ठीक है। यस नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो अब ये भी देख लेंगे कि कट पेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसी फोल्डर को एग्जाम्पल यस पुष्पेंद्र कुछ कहना है आपको? यस सर मतलब सर मेरा ना जो इन भाई ने कहा वो है तो ठीक है, वो है ना मतलब कि तकनीकी भाषा में, लेकिन सर मैं कभी कभी सोचता हूँ ये नहीं जानता मैं ये कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। मैं मतलब कि इसका नाम ना कट ना हो करके ना मतलब मूव अनदर प्लेस होना चाहिए था, वो ज्यादा ठीक रहता फिर। नहीं देखो आप मूव भी कर सकते हैं, मतलब तो सर हिंदी यदि देखेंगे ना तो कट का मतलब होता है काटना यानी टुकड़े टुकड़े कर देना किसी चीज के। नहीं देखो यहाँ से वो टेक्निकल टर्म्स में ठीक है, आपको मूव करने का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है, दैट इज अनदर इशू। बट यहाँ से आप देखो अगर आप हर चीज मतलब देखो आपको कैसे देखो कट देखो आप कट भी करेंगे और मूव भी करेंगे तो एक ही मतलब एक ही है ना वो। देखो अगर आप यहाँ से कट करोगे, ठीक है, यहाँ से अगर कट करोगे तो वो फाइल वहां जानी है, मतलब वो मूव ही हो रही है एक तरह से, ठीक है। सो आपको नहीं, हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन सर मैं नाम की बात कर रहा हूँ, नाम की ये तो ठीक है, ये तो सर मैं जानता हूँ, लेकिन जो नाम है ना नाम कट उससे बोल रहा हूँ सर मैं, मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये हो सकता है गलत है। नहीं गलत ऐसे नहीं है, मतलब ठीक है, वो एक्चुअली तुम्हारा जो कंसर्न है वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन हम जब ऑनलाइन कोई भी कुछ भी चीज़ करते हैं, ठीक है, तब वहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ जगह पर वो मतलब ऑप्शन होता भी है, ठीक है, मूव टू अनदर प्लेस या मूव सिर्फ ऐसा कुछ ऑप्शन भी रहता है, ठीक है,
जैसे आप ड्राइव वगैरह यूज करते हो ना तो वहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद आपको नहीं मिले। हाँ, अगर मूव को आपको मूव करना है कहीं पे, ठीक है, तो आप सेंड टू का यूज कर सकते हो, वहाँ पे सेंड टू नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है। कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वैसा ऑप्शन आपके मोबाइल में रहेगा जो मूव बोल रहे हो ना आप पुष्पेंद्र, वो ऑप्शन आपके फोन में रहता है, ठीक है, मूव जो कट है पीसी में है, ठीक है। सो मसला कैसा है कि ये कंसेप्ट एक ही है बेसिकली, ठीक है, बस उसके दो अलग अलग नाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो यस, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कट कैसे करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, सॉरी, यस, स्क्रीन शेयर, दिस इज मीटिंग कंट्रोल्स, ऑलराइट। सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस, प्लीज बताइए। ओके, सो स्क्रीन शेयर तो मेरी हो रही है, ऑलराइट। सो अभी हम देखते हैं कि अब मुझे वो फाइल यहां से कट करनी है और डेस्कटॉप पे पेस्ट करनी है। Nishtha, to move to an item, press the arrow keys. Nishtha, Nishtha, explore pane, folder layout pane, shell folder view, items view, multi-select list box, Sonu 9/23/2021/6. अब ये सोनू नाम का फोल्डर जो है मुझे यहाँ से कट करना है निष्ठा निष्ठा के अंदर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि मेरा फोकस इस पे है, ठीक है। अब फोकस जब इस पे है तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल सी, हमने एप्लीकेशन के मेन्यू से देखा था वहाँ पे भी कट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन हमें अगर वो नहीं करना है उतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। Meeting controls to move to an item, press the arrow keys. Stop share left parent alt plus FLU. Participant. Gayatri Damdir, computer audio muted. Dayani Shak, Chandra Wa, Viscarati, Absolma, Aditya Dixit, Alec, Abhijit Deshmukh, computer audio, Abhijit, 12870, Nazanin, left pair, Manable technical wing, left, 12870, Gurjit Singh, computer audio. Inputs, 12870, Gurjit Singh, computer audio muted. Alright, Nazanin, ye kon mute hua tha? हेलो नाज़नीन, ये मैंने म्यूट किया है लेकिन नाम भूल गई अभी के अभी मैं उसका। ओके, आइंदा ऐसे याद रखो अपना नाम, उसका नाम, ठीक है, जो भी। हां हां, यस रियो, हेलो, यस नाज़नीन, आइंदा से उनका नाम याद रखना है और सीधे रिमूव करना है। हां हां, सॉरी भूल गई थी। यस, ठीक है, ऑलराइट। सो म्यूट बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, input search keyword Simran Dhawan, computer audio unmuted, video mute, ask the more options for 12870, ask the more options for 11F19 manage, Simran input Dhawan search keyword, more options to manage all parties, remove, no option, okay, yes, ab ye mat karo aap, hai na, so abhi jo concern hai wo ye hai ki hame yes, to hum dekh rahe the cut, ठीक है, तो कट अभी देखते हैं। All you participants left pair and 46 right pair escape. Stop share left Nishtha to zoom. Let's meeting control Nishtha. Nishtha. Date Sonu. Yes, अभी सोनू को हमें कट करना है और मान लो डेस्कटॉप पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको पहले आपकी लोकेशन पता होना चाहिए, आपको कहाँ पे पेस्ट करना है उसको, मतलब कहाँ पे आप उस फाइल को लाना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं डेस्कटॉप पे लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूंगा, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एक्स, ओके, कंट्रोल सी जैसे कट कॉपी के लिए है, वैसे कंट्रोल एक्स के लिए है, सॉरी कंट्रोल कट के लिए है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन आपके सिस्टम में वो ज़रूर बोलेगा, ठीक है, कट सिलेक्शन फॉर क्लिपबोर्ड, ठीक है, अगर आप एनवीडी यूज़ कर रहे हो तो कट सिलेक्शन फॉर क्लिपबोर्ड ऐसे बोलेगा, और कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी सिलेक्शन फॉर क्लिपबोर्ड ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट तो किया है, ओके, अब मैं इसे Windows D करके डेस्कटॉप पे जाऊंगा। Windows D, folder view list view, Faye is left parent person 1, Faye is right parent dash chrome 1 of 20, to move to items use the arrow keys, to edit the selected item press F2. और यहाँ पे ऐसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। Folder view list view, Faye is left parent person 1, Faye is right parent dash chrome 1 of 20, to move to items use the arrow keys, to edit the selected item press F2. 21% complete, 21% complete, moving 72 items from Nishtha to desktop dash 18% complete, pause the operation checkbox not checked, to check press space bar. देखो, यहाँ पे आपको एक फर्क समझना चाहिए। Desktop, folder view list view, Faye is left parent person 1, Faye is right parent dash chrome 2 of 21, to move to item. देखो, अब वो बोल रहा है 2 of 21, मतलब पहले 20 थे, अब वो 21 बता रहा है, इसका मतलब ये है कि
कॉपी हो चुका है फोल्डर, ठीक है, देखेंगे। सोनू, सोनू नाम से फोल्डर डेस्कटॉप पे हमारा आ गया है, और वहाँ है क्या वो देखते हैं पहले, मतलब जहाँ पे था पहले वो वहाँ पे है क्या देखते हैं फोल्डर निष्ठा में। निष्ठा, to move to an item, press the arrow keys. निष्ठा, items view. नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा है वो, और आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से कट हो गया, वहाँ पेस्ट हो गया। अब पुष्पेंद्र जी या फिर हमारे और जो विजुअल इम्पेयर्ड भाई बहन है उनको मैं ये बात बताना चाह रहा था कि हमें फ़र्क समझना चाहिए कि जब आप कॉपी करते हो, कॉपी का प्रोसेस आपका चालू होता है, ठीक है, वो आपको बोलता है वैसे कॉपिंग 66%, ठीक है, या फिर अगर कट का प्रोसीजर चालू है, कट का प्रोसेस चालू है, तो वो मूविंग बोलेगा इंस्टेड ऑफ कॉपिंग, ठीक है। कॉपी हो रहा है तो कॉपिंग बोलेगा, ठीक है, कॉपिंग 76% या जो भी होगा वो, ठीक है। अगर मूव हो रहा है या मतलब कट हो रहा है तो वैसे वो बोलेगा आपको मूविंग 72% या जो भी है, ठीक है, उसका परसेंटेज जहाँ तक उसका हो रहा है, मतलब जो हो रहा है, ठीक है, वो स्टेटस आपको बताएगा, ओके। और स्टेटस बार मतलब अगर मान लो कोई लंबी फाइल है, ठीक है, 1 GB या 2 GB की फाइल है, तो जाहिर सी बात है टाइम लेगा, ठीक है, आपको कॉपी करने में, लेकिन आपको जानना है उसका स्टेटस क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेटस बार देखने के लिए आपको इंसर्ट बी प्रेस करते रहना है, ठीक है, बस। फिर हमारे लिए बात ये हो जाती है कि इंसर्ट बी आपको वहीं पे करना है जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो उसको, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपने प्लीज आप सिमरन को बोलिए कि बार बार अनम्यूट ना करे, क्योंकि मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है। वेट, ओके, मैंने अभी उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, इफ शी वांट्स टू जॉइन देन शी विल हैव टू टॉक विद मी पर्सनली, ओके, यस। ऑलराइट, सो यस, मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, मेरी स्क्रीन की आवाज आ रही है, मतलब नाज़नीन? यस सर, आ रही है। यस, फाइन, यस, ओके। सो हमने भी देखा, कट पेस्ट भी देखा, ठीक है, अब मल्टीपल सिलेक्शन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने एक बार सिलेक्शन तो देख लिया, मतलब एक फाइल को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो वो हमने देख लिया था, ठीक है। अब मान लो कि मुझे निष्ठा में मुझे जो फाइल चाहिए वही डालनी है, बाकी नहीं डालना है कुछ भी, ठीक है। अगर मान लो कि देखते हैं, ठीक है, मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ जो फिर से एक सॉन्ग्स का फोल्डर है मेरा, ठीक है, और वो कुछ बचे हुए मतलब कुछ गिने चुने सॉन्ग्स है, सिलेक्टेड सॉन्ग है, वो मैं निष्ठा के फोल्डर में निष्ठा को देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं task switching Nishtha to move to an item Nishtha items view list box to move to an alt F4 desktop folder view list view meeting controls to zoom WhatsApp Windows D folder view list view Sonu yes. तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब ये सोनू फोल्डर है, ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, इसको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे मान लो कि मेरा और एक फोल्डर है डी कोलन में राजा नाम से, ठीक है, जिसमें कुछ सॉन्ग्स है, तो अब मैं क्या करूँगा, विंडोज आर Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document. यहाँ पे D colon, enter. Local disk left parent, D:, right parent, items view, multi-select list box, not selected, for backup, dash, junk up. अब जब मुझे पता है कि फोल्डर का नाम राजा है, तो मैं सीधे RR से जाऊँगा, ना कि अप डाउन से। अगर आपको initials पता है आपके folders के, या आपके file के, तो आपको क्या करना है, सीधे उसको उस proper initials से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, letters से। तो R का starting राजा नाम से, मतलब राजा R से start होता है। R, राजा. ओके, आर राजा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके अंदर जाऊंगा,
Enter. Shell folder view. Items view multi-select list box. Not selected 01 mare hip the 1 of 65. To move to the... इसमें कुछ 65, मतलब कुछ 65 songs है. ठीक है, लेकिन मुझे अगर इसमें से कुछ 10 ही songs मेरे selected है, जो मुझे निष्ठा को देने हैं. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? अगर आप list view में navigate कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप एक के नीचे एक जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? पहले एक बात याद रखनी है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है. ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे. ठीक है, अब ये पहला सॉन्ग है, इसको मैं देना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देने के लिए मैं कंट्रोल स्पेस, ठीक है, कंट्रोल की मैं छोड़ूंगा नहीं. ओके, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस 01 मेरे हिप द. ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया. ओके, अब मैं नीचे जाऊंगा. Not selected 01 underline MUJHS. ठीक है, मैंने कंट्रोल छोड़ा नहीं है. ओके, मैं कंट्रोल दबा के ही नीचे जा रहा हूँ. 01 मेरे हिप द. Not selected 01 underline MUJHS. ठीक है, मुझे ये गाना नहीं देना, अगला देना है. क्योंकि ये देखो, अब जो नॉट सिलेक्टेड है वो बोल रहा है नॉट सिलेक्टेड. ठीक है, नॉट सिलेक्टेड 002 मच शादी करोगी डैश सोनू अनुज एंड सनिटी. ठीक है, ये भी है. नॉट सिलेक्टेड 02 आज शाम होम, आज शाम होने आई नाम से ये सॉन्ग है. नॉट सिलेक्टेड 02 बोल जूलियन डैश कैपी कशी कैपी कैम. ठीक है, अगर मुझे ये देना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट कर लूंगा. हालांकि मैंने कंट्रोल की अभी छोड़ी नहीं है. ठीक है, मैं जब भी अप डाउन से नेविगेट कर रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल की छोड़ी नहीं है. ठीक है, कंट्रोल के मैंने प्रेस करके रखी है. यहाँ पे मैं सिर्फ कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करूंगा, तो सिलेक्ट हो जाएगा. कंट्रोल स्पेस 02 बोल जूलियन डैश कैपी कशी कैपी कैम. ठीक है, ये सिलेक्टेड नहीं बोलेगा, लेकिन सिलेक्ट हो गया है. ठीक है, अगर नॉट सिलेक्टेड तो नॉट सिलेक्टेड बोलेगा. आगे जा रहा हूँ मैं डाउन से. नॉट सिलेक्टेड 02 पहला पहला प्यार. यस, पहला पहला प्यार है. नॉट सिलेक्टेड 02 अंडरलाइन DHADK. ठीक है, नॉट सिलेक्टेड 03 आज हैमर डिल. चलो ये भी दे देते हैं, नहीं ये नहीं देना है. नॉट सिलेक्टेड 03 पेर मेन. Not selected 04 Chok Mikot. Not selected 04 Amari Shadi Main. Not selected 04 Imasam Ka. ठीक है, ये दे देते हैं. Control space 04 Imasam Ka. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया. ओके, सिलेक्ट तो हमने कर लिया, ये तीन हमने सिलेक्ट कर लिया. अभी और जाते हैं आगे. Not selected 04 underline mirror underline. मैंने कंट्रोल की छोड़ी नहीं है. ठीक है, कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखनी है. जब तक आपको आपका पूरा सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको कंट्रोल की छोड़नी नहीं है. ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट से आपको सिर्फ नेविगेट करना है, कंट्रोल की वैसे ही प्रेस करके रखनी है. Not selected force on the tier fire mine as underline 1. ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं. Control space force on the tier fire mine as not selected 05 Dantana. ये भी सिलेक्ट करते हैं. Control space 05 not selected 05 near and main. अच्छा इसको भी सिलेक्ट कर ही देते हैं. Control space not selected 05 say shava shava dash capi kashi capi cam. ये नहीं करते हैं. Not selected 05 sony sony onion. ये भी नहीं करेंगे. Not selected 05 underline dollar. Not selected 06 I am awesome. चलो ये करेंगे. ठीक है, control space 06 I am awesome. Not selected 06 ekmasu mesa dash sonu sadness arkham. चलo ye bhi 0. Not selected 06 ekmasu mesa dash sonu sadness arkham. Nahi. Not selected 06 ojai jai. चलo ye kar lete hain. Control space 06 ojai jai. Not selected 06 ramper ka. Control space 06 ramper ka. चलo maine kuch abhi songs to maine select kar liye, mujhe jo chahiye wo. Ab main kya karunga, agar mujhe पक्का यकीन है कि मुझे यही देना है, इतना ही देना है. ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपके पास 200 सॉन्ग्स हो, या 200 आपके फोल्डर्स हो, या 200 फाइल्स हो. ठीक है, आपको उसमें से कुछ 50-60 सिलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, ये मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करोगे. एक बार सब सिलेक्ट करोगे. ठीक है, अप डाउन से, कंट्रोल अप कंट्रोल स्पेस से. ठीक है, जो भी आपको, आप क्या करोगे, पहले कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखनी है. ठीक है, वो छोड़नी नहीं है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होने तक. ओके, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं. और फिर कॉपी करूंगा मैं अभी यहाँ पे, क्या करूंगा, कॉपी. तो जितना भी हमने सिलेक्ट किया था वो सब कॉपी हो जाएगा. कॉपी हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, ऑल टैब व्हाट्सएप टू मूव टू अनदर मीटिंग कंट्रोल्स ज़ूम रोजर व्हाट्सएप मीटिंग कंट्रोल्स Stop share left parent alt windows D. Folder view list view sonu 1 of 21. To move to items use the arrow keys to edit the selected item press F2. Folder view list view sonu 1 of 21. To move to items use the arrow keys to edit the select. Nishtha ke folder mein jaunga. Windows R. Run dialog. D. Colon. Enter. Local disk left parent D. Colon right parent Nishtha. Mujhe Nishtha ke folder mein sab paste karna hai. Enter. Shell folder view. Items view list box. To move to an item press the arrow keys. Theek hai. Ab yahan pe kuch bhi nahi hai. Ab main paste kar raha hu. Items view multi-select list box 06OJJI 06 Ramper Ka 10/12/2002947AMMP3 format sound 11,443 KB 9 of 9. To move to an item press the arrow key. हमने कुछ 9 items select किए थे, वहाँ से कुछ 9 गाने हमने copy किए थे. मतलब copy
पहले हमने सिलेक्ट किया था उनको, ठीक है, फिर हमने कॉपी किए और पेस्ट किए, ओके। आपको सेम प्रोसीजर अगर आप कट भी करना है तो आपको यही मल्टीपल सिलेक्शन का प्रोसेस करना है, और बस हमने यहाँ पे कॉपी किया है, हमने यहाँ पे कॉपी किया है तो वहां पे आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। हमने यहाँ पे कट किया, हमने यहाँ पे कॉपी किया तो वहां पे आपको कट करना है, ठीक है, तो वहां से वो चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। Alert, participants can now see your screen. Okay, so 6:54 PM. Yes, guys. अभी यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक है, आज हमने कट कॉपी पेस्ट पूरा देख लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है, अपने अपने हाथ रेस करें ऊपर। यस रोशन कुमार, सर मेरा क्वेश्चन था कि सपोज डेट मेरे पास 50 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि मैं फर्स्ट सॉन्ग को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि 20 से 30 सॉन्ग देना चाहता हूं। अच्छा, तो आपको क्या देखो आपको क्या करना है, ओके, हाँ मैंने वही तो बताया अभी कि आपको अगर बीच में के सॉन्ग्स नहीं देने हैं, ठीक है, आपका आपको अगर आप चाहते हो, ठीक है, मान लो अगर आपके पास 20 अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक है, मान लो 50 गाने हैं आपके पास, या 50 फाइल्स हैं अलग अलग, कोई भी फाइल्स या फोल्डर जो भी हो आपके पास, ठीक है, अगर आप म्यूट करो तब तक दोस्त, आप सिर्फ सवाल पूछते वक्त ही आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है, बाकी टाइम आपका म्यूट होना चाहिए, ओके। सो यस, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आप चाहते हो कि पहले 5 गाने में दूंगा और उसके बाद 17 से 21 तक जो भी गाने हैं वो दूंगा, और उसके बाद 21 से सॉरी उसके बाद 31 से लेके तो 40 तक इतने में दूंगा, अगर आपको पता है कि आपको क्या देना है, ठीक है, तो आपको क्या आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस, आपको पहले तो कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, ठीक है, और जब आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपको, ठीक है, जहां पे आपका फोकस रहेगा वो तो ऑटोमेटिकली मतलब वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको आपको पता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आप मान लो आप अगर देखो आप जब कोई भी फोल्डर ओपन करते हो तो उसमें का कोई भी आइटम पहले सिलेक्ट नहीं होता, जब आप अप डाउन या ऐसे कुछ करते हो, एरो की से नेविगेट करते हो, तो फिर वो जहाँ पे भी आपका फोकस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने फोल्डर क्रिएट करते हुए वक्त भी बोला था कि आपको फोल्डर क्रिएट करते वक्त आपका कोई भी आइटम वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वरना वो उस सिलेक्टेड आइटम को ही आपका ये मानेगा क्या कहेंगे उसे मतलब उसी पे वो काम करेगा, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया है उसी चीज़ पर वो काम करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि फोल्डर्स क्रिएट करते वक्त हमें कुछ भी ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं चाहिए, कुछ भी हमारा जो अदर फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की, तो मल्टीपल सिलेक्शन करते वक्त आपको क्या करना है, ठीक है, पहले 1 से 5 तक आपको सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है, कंट्रोल की छोड़नी नहीं है बिल्कुल, ओके, और आपको सिलेक्ट करने के लिए अगर मान लो आपका पहला सिलेक्ट किया है आपने कंट्रोल स्पेस से, दूसरे में जाने के लिए डाउन का यूज़ कीजिए, ठीक है, अप डाउन का मतलब आपको कंट्रोल की छोड़नी नहीं है, ठीक है, दूसरा सिलेक्ट करने के लिए आपकी कंट्रोल की तो रहेगी वहाँ पे, सिर्फ स्पेस की प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा दूसरा भी, तीसरा भी वैसे ही करना है, चौथा भी वैसे ही करना है, पांचवा भी वैसे करना है, ठीक है, अब पांचवा वैसे करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि छठे मतलब 6 से लेके 20 तक आपको नहीं सिलेक्ट करने कोई भी, ठीक है, तो 6 से लेके 20 तक आपको नहीं सिलेक्ट करने, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आपको नेविगेट करना है अप डाउन एरो से, ठीक है, डाउन से आप नेविगेट करो, आपको बोलता रहेगा वो नॉट सिलेक्टेड ऐसे, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड 7th, नॉट सिलेक्टेड 8th, जो भी आपका नाम रहेगा वो डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो ऐसे आपको बोलता रहेगा, और आपको फाइनली जो सिलेक्ट करना है उस पर आप
स्पेस की प्रेस करो, दैट्स इट। कंट्रोल तो आपके वैसे ही लगी रहेगी, ठीक है, आपको बस स्पेस प्रेस करना है। इस तरह से आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। और फिर वैसे आप एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, आपको जो सिलेक्ट करने वो आपने सिलेक्ट कर लिए, तो फिर आपको बस कंट्रोल की छोड़नी है और उसके बाद कट या कॉपी जो भी ऑप्शन करना है वो करना है और जहाँ पे चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यस, ओके। मेरा ये क्वेश्चन तो मुझे तो समझ में आया सर, मैं चाहता हूँ कि सर 1 to 5 सॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया, आप चाहता हूँ कि डायरेक्ट 20 to 30 पर के बिटवीन जो सॉन्ग्स हैं उसको डायरेक्ट देना, तो सर क्या उतने बार हमें मूव करना होगा या हाँ जी नेविगेट करना होगा? क्योंकि देखो आपको सब कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सब कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, राइट, आपको कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स ही सिलेक्ट करने हैं, दैट मैटर्स, ठीक है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो सामने वाले को? तो हाँ, अगर आपको पता है कि आपको सब कुछ देना है, ठीक है, तो सीधे आप कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल ए करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा, ओके, यस, यस पुष्पेंद्र बोलो। यस पुष्पेंद्र बोलो। यस सर, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे सर जो आपने मल्टीपल सिलेक्शन का सर हमें बताया है अभी, तो सर इसको जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे कोई फाइल में खोलता हूँ ना, जैसे कीबो या इनविजन से स्कैन टेक्स्ट फाइल, तो उसमें सर क्या होता है कई सारी ब्लैंक ब्लैंक लाइन आ जाती है ना, जैसे एक दो लाइन का टेक्स्ट होगा फिर ब्लैंक, फिर तीन चार लाइन का टेक्स्ट होगा फिर ब्लैंक, ऐसे करके सर क्या उन ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं दोस्त। जैसे सर मान लीजिए मैंने ना आज का हाँ कर सकते हो, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर उसमें हाँ मतलब ये ब्लैंक लाइन आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए फिर हाँ मतलब एट ए टाइम आप कर सकते हो ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन भी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हो जाएगा वो भी, वहाँ से भी हो सकता है, ठीक है पुष्पेंद्र, वो हम देखेंगे जब हम एमएस वर्ड सीखेंगे तो। यस कासिम, हेलो। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ कासिम बोलो। सर समझ तो आ गया, मेरे दो तीन क्वेरीज थे छोटे छोटे, मैं इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक तो आपने टॉपिक से रिगार्डिंग है? नहीं बिल्कुल टॉपिक से रिगार्डिंग ही है सर। ओके बताइए सर। एक तो आपने बोला कि जब कभी भी आप कोई भी फाइल या फोल्डर कॉपी कर रहे हो, अगर लंबी फोल्डर या फाइल है तो जब आप पेस्ट करते हो उसको तो आपको स्टेटस बार जानना है, तो हमने इंसर्ट भी प्रेस करना है तो हमको स्टेटस बार पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बार बार इंसर्ट भी प्रेस करना ना पड़े, हर थोड़ी देर बाद मुझे अपने आप पता चले कि स्टेटस बार क्या है, मतलब कितना हुआ, तो बोलता रहेगा वो। देखो हाँ, उसके लिए जॉस में भी और एनवीडीए में सेटिंग्स है, ठीक है, जब हम वो जॉस के और एनवीडीए की सेटिंग्स देखेंगे इंशाल्लाह हाँ, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ओके ओके। यस जी, तो जी जी जी, जब वो आएंगी जी, तो हम देखेंगे कि स्टेटस बार कैसे। देखो जब कोई लंबी फाइल है ना, ठीक है, मान लो कि 1 GB की फाइल कॉपी हो रही है और वो उसके लिए कुछ मान लो 15 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक है, तो हर कुछ सेकंड्स के बाद वो आपको बताता रहेगा कि 70% जैसे 20% कंप्लीट, यस 31% कंप्लीट, ऐसे यस सर। ये इसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं तब भी शायद ये बोलता है, राइट, क्योंकि मैंने करके देखा है, यूज किया है। हाँ बोलेगा वो, ठीक है, विंडोज एम सेटिंग्स है, ओके ओके ओके, उसकी कुछ सेटिंग्स है, वो करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके अच्छा, एक क्वेरीज ये है, अभी थोड़ी देर पहले जो भाई ने सवाल पूछा था शायद उनका मतलब ये था कि हमने मान लो हमको 35 सॉन्ग देने हैं, ठीक है, लेकिन 35 के 35 तरतीबवार हमने नहीं देने हैं, 1 से 5 तक तो हमने सेलेक्ट किए, लेकिन हमने 6 से 20 तक हमने देने नहीं है,
बीस से आगे हमको और 40 तक या 50 तक देने हैं, ठीक है? राइट, हाँ। तो अब हम 6 से लेकर के 20 तक हम डाउन एरो से जाना नहीं चाहते, मतलब डाउन एरो से नेविगेट नहीं करना चाहते, सीधे हम 20 पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है, ओके, बस क्योंकि देखो उस वो क्या करेगा फिर, अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर आप वो पूरे क्या करेगा, देखो आपको अगर आप ऐसे करोगे तो जो पहले आपने सिलेक्ट किया ना वो सब हटा देगा। ओके 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 ओके। और आपको अगर मान लो अगर 6 से 21 से 20 भी अगर आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो बाद में के जो 20 से लेके तो 50 तक आपने सिलेक्ट किए होंगे ना, तो वही आपको दे देगा, पहले के नहीं देगा फिर। ओके, 5, अच्छा अच्छा। तो इससे बेहतर ये है कि ऐसे ही जाओ नेविगेट करके, कंट्रोल की प्रेस करके रखो, नेविगेट करो अप डाउन से, जो करना है सिलेक्शन वो करो। ओके, जितने भी मल्टीपल सिलेक्शन करने करो, ठीक है, और उसी तरह से खुद को कॉपी कर लो, कॉपी या कट पेस्ट जो भी हो करना। ओके, एक लास्ट क्वेरी है सर। यस सर, बोलो। मुझे अलग अलग फोल्डर से अलग अलग फाइल्स निकालनी है, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको आपके पास ही जो फोल्डर है मैं उसी की एग्जांपल देता हूँ। सोनू नाम के फोल्डर में कुछ फाइल्स हैं, राजा नाम के फोल्डर्स में कुछ फाइल्स हैं, तो आपने निष्ठा के फोल्डर में डालने हैं सोनू नाम के, सोनू में जो फाइल्स है कुछ फाइल्स उसमें के कुछ फाइल्स लेने हैं आपने, और राजा नाम के जो फोल्डर है उसमें से कुछ फाइल्स लेने हैं आपने, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे फिर आपको क्या करना है, देखो जी, आपको आप यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन अगर करना है दोनों फोल्डर्स में से कुछ फाइल्स आपको लेनी है, तो एक पहले फिर आपको एक फोल्डर में से ही करना होगा और फिर बाद में दूसरे फोल्डर में से करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा ऐसे। ओके ओके ओके, यस यस, थैंक यू सर। यस, बाकी तो सारा कुछ समझ आया सर। ओके गुड, निष्ठा। होय कोई फाइल हमने कर की और बाद में जो ए ओपी की, तो उस मिक्स ए टाइम में वो फाइल कहा जाती है, सॉरी कट कट करने के बाद कॉपी की मतलब कैसे? मतलब उसको टाइम लगेगा ना सर कंट्रोल सी करने में, तो उस मिक्स में फाइल कहा जाती है। देखो फाइल बस वहां से कट हो जाती है, ठीक है, अगर वो फाइल आपने पेस्ट नहीं की कहीं भी, ठीक है, तो वो फाइल वहां से सीधे कट हो जाती है। ओके, अगर आप हाँ अगर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ सिस्टम में वो फाइल वापस आ जाए वहीं पे, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे दिखाई नहीं देता, मतलब जनरली ऐसे होता नहीं है, वो फाइल वहां से कट हो जाती है, ठीक है, तो जस्ट डू योर एक्शन वेरी अप्रोप्रिएटली व्हाट एवर यू वांट टू डू। हाँ शायद ना मिले या फिर शायद हो भी सकती है, वहीं पे आ भी सकती है वापस। हाँ अगर आप एस्केप की प्रेस करोगे ना तो फिर वो वहाँ पे आ जाएगी तुरंत। हाँ तुरंत, यस। अच्छा, और मिक्स में पावर सप्लाई कटोगे तो भी चली जाएगी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी करने के बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो वो फाइल वहाँ पे आ भी सकती है या फिर वहाँ से कट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली आ जाती है वहाँ पे, आ जाती है वो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का भी ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो चुका है, कार्ड रीडर डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो भी फाइल मैंने फोन से कट की थी एक बार 14 GB की फाइल थी पूरी, और मैंने फोन से कट करके उसको मेमोरी कार्ड में डालना चाहा और कार्ड रीडर 8 GB की फाइल ट्रांसफर हो चुकी थी और मेमोरी कार्ड डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, वो ये कुछ धक्का लग गया तो पूरा वो ही हो गया, मतलब वापस मोबाइल में आ गया फाइल पूरा। मतलब ऐसे केसेस में ये है कि आपको अगर आपके पास एंटीवायरस वगैरह अच्छा वाला है या फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है पीसी को, तो फिर ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा। ऐसे पे वायरस भी क्रिएट हो सकता है गाइस, ठीक है, ऐसे कुछ आप कुछ अननेसेसरी ऑप्शन करो एक्शन करोगे या फिर आपसे हो जाएंगे ना, तो दैट विल दैट मे क्रिएट वायरस ऑन कंप्यूटर, वायरस भी आ जाएगा, तो डेटा करप्ट हो जाएगा आपका फिर। लास्ट इज कि निष्ठा के फोल्डर में थे और आप वापस से डी कोलन में आना चाहते क्या प्रेस किया? हाँ देखो, जब हम जैसे हमने सीखा था कि ओपन एप्लीकेशंस में मूव करने के लिए ऑल टाइम हमारा वो सेशन अगर आपने रिव्यू किया होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने ओपन और क्लोज एप्लीकेशंस सिखाया था, ठीक है, स्टार्ट में जैसे एप्लीकेशन ओपन कैसे करने हैं या फिर रन डायलॉग बॉक्स से ओपन कैसे करने हैं, जब हमने सिखाया था तो उसी सेशन में हमने
क्लोज का भी मतलब दिखाया भी था और उसके ओपन एप्लीकेशंस में हमें नेविगेट कैसे करना है टास्क बार में, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की भी बताई थी, ऑल्ट टैब, ठीक है, तो ऑल्ट टैब से आप जो है एप्लीकेशंस के बीच में ना, मैं सिर्फ डी से जैसे निष्ठा में गया तो एंटर दबाया और निष्ठा से वापस डी में जाना तो हाँ, निष्ठा से अगर वापस डी में जाना है तो बैक स्पेस की प्रेस करनी है, फिर वो बैक आ जाएगा वापस बैक, मतलब निष्ठा देखो आप डी कॉलन में हो, ठीक है, डी कॉलन में आप निष्ठा में जा चुके हो और निष्ठा में से बाहर आना है आपको वापस डी कॉलन में, तो आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी है तो वापस वो डी कॉलन में आ जाएगा। थैंक यू सर। यस तरुण, यस सर, यस तरुण बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने सोनू के फोल्डर पे गए डेस्कटॉप से, हाँ, तो अगर मेरे को निष्ठा के फोल्डर ने कुछ सॉन्ग्स डालने हैं, ऑल टैग करा एक बार मैंने, फिर वापस से मतलब सोनू के फोल्डर ने आना है तो फिर वो देखो अगर निष्ठा का फोल्डर ओपन रहेगा, ठीक है, तो ऑल टैग करते आपको दिखा भी देगा वो, जब तक आपको निष्ठा फोल्डर नहीं दिखता तब तक आपको ऑल टैप करते रहना है, ठीक है, लेकिन ये ऑल टैप तभी काम करेगा जब वो निष्ठा का फोल्डर ओपन रहेगा, अगर आपने क्लोज कर दिया है तो फिर वो कैसे आएगा ना वहां पे, क्योंकि ऑल टैप जो है, ऑल टैप का हम यूज सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ओपन एप्लीकेशन में नेविगेट कर सकें, ठीक है तरुण। ओके ओके ओके, यस यस लतिका। गुड इवनिंग सर। यस वेरी गुड इवनिंग, बोलो प्रतिका। कंट्रोल सिलेक्शन के टाइम पे तो अगर कंट्रोल कॉपी करने से पहले कंट्रोल को छोड़ सकते हैं? हाँ एक देखो, आप जितना भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्शन होने के बाद आपके, अगर आपको आपका सारे सिलेक्शन प्रोसीजर हो चुका है, मल्टीपल सिलेक्शन प्रोसीजर, वो सिलेक्शन होने के बाद आप कंट्रोल छोड़ दो। तो अगर अगेन कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ना? हाँ, तो देखो कंट्रोल सी कंट्रोल एक साथ प्रेस करना है या फिर कंट्रोल एक्स कट करने के लिए एक साथ प्रेस करना है, ठीक है? सर कंट्रोल एक्स कट वो पेस्ट करने से पहले ही करना है, बाद में नहीं। नहीं, कंट्रोल एक्स देखो आपको क्या करना है, वो फाइल चूज करने के बाद पहले कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करनी है और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, मतलब जहाँ पे आप चाहते हो कि वो सब दिखे, वहाँ उस लोकेशन पे जाके आपको फिर कंट्रोल वी करना है, तो पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। नो सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब हमें कोई कॉपी कट करनी है तो वो पेस्ट करने से पहले ही करनी है कट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि पेस्ट देखो आप कितना भी कंट्रोल वी करोगे तो वो बोलेगा नथिंग टू पेस्ट, मतलब नथिंग इज सिलेक्टेड फॉर पेस्ट, या फिर पेस्ट अनअवेलेबल ऐसे बताएगा कुछ, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? यस लतिका, थैंक यू। ख्याति आप बोलो। यस सर। सर मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जब आप मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में बता रहे थे, वहां पर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए, मतलब उसको प्रेस रखते हुए, और जिस चीज को हमको सेलेक्ट करना है वहां पे स्पेस करना होगा, तो सर ये तो मल्टी वाला हो गया, लेकिन सर वो क्या चीज थी जहां पर आपने बोला था कि जहां पर हम फोकस रखते हैं वो खुद ही से सेलेक्ट हो जाता है? सर वो चीज समझ में नहीं आई, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन फिर भी समझा नहीं, मतलब सर एक तो आपने अभी बताया कि जहाँ पर सेलेक्ट करना है वहाँ पर जैसे कि हम बहुत सारे सॉन्ग्स है या कुछ भी है बहुत सारा, तो वहाँ पर हमें जो जो सॉन्ग्स चाहिए वो कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए और वहाँ पर हम डाउन एरो से जाएंगे और उसको स्पेस करेंगे उस सॉन्ग पर, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सर एक तो ये प्रोसेस हुआ, और एक आपने बताया था कि जैसे कि जहाँ पर हमारा फोकस होता है वो खुद ही सेलेक्ट हो जाते हैं, सर वो क्या चीज थी? हाँ देखो अगर आपको, हाँ अब इस पे का फर्क बताता हूँ, ठीक है, वो ये कि आप जब सिर्फ एक ही फाइल या एक ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हो तब की बात की थी मैंने वो, ठीक है, आप जब भी जिस भी फोल्डर पे आपका फोकस लेके जाओगे फोल्डर ओपन करने के बाद, जिस भी डॉक्यूमेंट पे
मतलब वो लोकेशन ओपन करने के बाद जिस भी डॉक्यूमेंट पे या जिस भी फाइल पे या फिर जिस भी फोल्डर पे आप आपका फोकस लेके जाओगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही आइटम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे आपको मान लो 10 किसी को फाइल्स देनी है, ना कि सीक्वेंस है, हालांकि उसी फोल्डर में है या उसी लोकेशन पे है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। आपको मान लो आपके पास 10 फाइल्स है, आपको चाहते हो कि पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं इतनी फाइल देनी है, चार ही फाइल देनी है, तो आप क्या करोगे, पहले फाइल आप सबसे आपको फोल्डर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे टॉप मतलब टॉप में जाना है, ठीक है। टॉप में जाने के बाद मतलब टॉप कैसे जाओगे, आप कंट्रोल होम से आप सबसे ऊपर जाओगे, कंट्रोल होम मतलब टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद कंट्रोल की प्रेस करनी है, ठीक है। जो सिलेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, जो 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 सिलेक्टेड नहीं रहेगा वो उसको बोलेगा नॉट सिलेक्टेड, और जो भी नाम होगा वो बोलेगा, ठीक है। अगर सिलेक्टेड है तो शायद वो बोल सकता है सिलेक्टेड या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ नाम बताएगा, ठीक है। लेकिन नॉट सिलेक्टेड अगर है तो सिर्फ नॉट सिलेक्टेड बोलेगा और नाम बताएगा उस फाइल या फोल्डर का। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि क्या सिलेक्टेड है और क्या सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। आपको कंट्रोल की छोड़नी नहीं है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और अप डाउन लेफ्ट राइट से आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंट्रोल की छोड़नी नहीं है पूरा प्रोसीजर खत्म होने तक। एक बार आपने वो सिलेक्शन कर लिए उसके बाद ही आपको कंट्रोल की छोड़नी है, उसके बाद आपको जो भी एक्शन करना है वो करना है, कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट जो भी। ओके सर। सर एक तो होता है सेलेक्ट ऑल और एक होता है ये जो अभी आपने बताया कि जो जो चाहिए। यस बोलो कंटिन्यू। यस सर। सर एक तो होता है सेलेक्ट ऑल और एक ये है जिसमें मतलब आपकी आपने बताया कि जो जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे स्पेस को प्रेस करके कंट्रोल दबाए रखते हुए। और सर एक चीज जो वो क्या बोलते हैं सर, अगर हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक ही फोल्डर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सर एक बार शॉर्टकट की और बताएंगे प्लीज। किसके लिए सर? जैसे मुझे एक ही सर, तीन होते हैं ना सर, एक होता है सेलेक्ट ऑल और एक होता है मल्टीपल सिलेक्शन में से एक ही करके सर मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये कह रही हैं तरुण, आपको क्या बताया गया है, अगली बार अगर एक भी गलती हुई तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यस गो अहेड खाती। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि सर वहां पर जो एक और जो बच गया सर उसे क्या बोलते हैं और उसका प्रोसेस कैसे होता है सर, उसका शॉर्टकट की? कोई नहीं, देखो अगर सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है ना तो सिर्फ डाउन डाउन करके उस पे जाओ, ठीक है। जैसे आप जाओगे तो कॉपी करो या कट करो पेस्ट करो, हो जाएगा, दैट्स इट। उसको आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है सर, सेलेक्ट करने की भी जरूरत ना 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 कोई नहीं, वो जहां पे आपका फोकस जाएगा ना वो हेलो हो जाएगा। एक्सक्यूज मी ख्याति मेरी आवाज आ रही आपको? यस सर। हां सुनिए आपको जो फाइल या फोल्डर सिलेक्ट करना है आपका टिपिकल, आप अप डाउन एरो से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहीं पे कर्सर रखो और आपको कंफर्म करना है आपका सिलेक्ट हुआ या नहीं, बस इंसर्ट अप एरो प्रेस कर दो, इंसर्ट अप एरो प्रेस कर अनाउंस कर देगा। यस ख्याति ऐसा बोल देगा वो, बस यानी समझ लो कि वो सिलेक्ट है, बस उसे कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर दो। ओके सर थैंक यू सो मच सर। ओके बोथ ऑफ यू। यस सर। या ऑलराइट। यस पुष्पेंद्र बोलो। All right. Aditya. सर मेरा एक क्वेरी है सर, जैसे मैं अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव भी एसडी कार्ड दोनों लगा रखा है और डी कॉलम से मैंने एक फोल्डर बड़ा फोल्डर है पेन ड्राइव में डाल रहा हूँ और उसको जाने में टाइम लग रहा है, अब मुझे साथ साथ में एसडी कार्ड में भी डालना है, तो एक साथ दोनों कैसे पॉसिबल हो सकते? कोई नहीं, हाँ पॉसिबल है। देखो अगर आपने एचडी कार्ड भी डाल के रखा है और पेन ड्राइव भी आपका डाल के रखा है अपने यूएसबी में, ठीक है,
तो कोई नहीं, पहले पहले फिर आप जो सिलेक्ट किया है उसको आप पहले इसमें जाके पेस्ट करो और फिर बाद में दूसरे डिवाइस में जाके पेस्ट करो, पेस्ट तो हो जाएगा वो। नहीं सर, एक साथ दोनों को यदि करना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं सुना था विंडो एम करके आप वो अंदर वो इंटरनल जाता रहेगा, बाहर आके भी एसटी में भी जा सर, क्या ये पॉसिबल है एक साथ दोनों? हां एक साथ दोनों में पेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सर। कमांड मतलब एक कोई नहीं, देखो अगर देखो आपने अगर आपका पेन ड्राइव भी एक तरफ आपका चल रहा है और आपका आप चाहते हो कि पेन ड्राइव के साथ साथ वो एसडी कार्ड में भी कॉपी हो, एसडी कार्ड में, ठीक है, तो आप क्या करो पहले कॉपी कर लो जो भी आपको करना है वो, ठीक है, पहले मल्टीपल सिलेक्शन प्रोसेस या फिर जो भी सिंगल सिलेक्शन प्रोसेस है वो करो और कॉपी करो, ठीक है, और पहले आप आपके पेन ड्राइव में जाओ, जहाँ पे भी आपको लोकेशन पे जाना है वहां जाओ, उसको पेस्ट दो, पेस्ट करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो उसे वहां पे, ठीक है, और वहां से बाहर आओ, ठीक है, वहां से बाहर आने के बाद आपको आपके एसडी कार्ड में जाना है, वहां पे सेम मतलब वहां पे क्या करो, वहां पे भी कंट्रोल वी करो मतलब पेस्ट करो, ठीक है, एक बार आपने कॉपी कर सर, ऐसा तो नहीं तो वहां से हट जाएगा एस्पिरेंट? अरे नहीं 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 नहीं, कॉपी किया है ना भाई आपने, अच्छा ओके, यदि यदि मैंने डी कॉलम से जो पेन ड्राइव किया है, यदि ई कॉलम का यदि मैं कार्ड जाना चाहूं तो तब भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा? सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। वहां से बाहर आना है, थैंक यू, और उधर जाना है जहां पे आपको फिर से पेस्ट करना है, और वहां जाके फिर पेस्ट करना है सर, ऐसा? ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर यू आर नॉट ऑडिबल इन माय साइड। नहीं दोस्त, मैं तो ऑडिबल हूं, मतलब मेरी बात समझ भी रहे हैं सब लोग, शायद आपके पास रेंज नहीं है। नाज़नीन, मैं एम आई ऑडिबल? यस यस क्लियरली। ओके, क्योंकि मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है बॉस, ठीक है। यस यस गुरजीत बोलो। यस गुरजीत, आप अनम्यूट हो गए हो, बताओ जो भी कहना चाहते हो। सॉरी दोस्त, गुरजीत की आवाज तो पहुंच नहीं रही है। नाज़नीन आपको आ रही है वो कुछ कह रहे? तो उनकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ यस यस गुरजीत बोलो, आ रही है आवाज, बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ये प्रोसेस मेरे लैपटॉप में नहीं वर्क कर रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अगर कोई कार्ड आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आखिरी आइटम सेलेक्ट हो रही है, बाकी स्टार्टिंग आइटम सेलेक्ट नहीं हो रही, और ना ही मुझे वो बता रहा है कि आप कितनी सिलेक्ट हो रही है नहीं। ठीक है बॉस, आप एक काम करो, मुझे ना कल जब हमारा सेशन होगा, ठीक है, उसके आखिरी में आप सेशन मुझे स्क्रीन शेयर करके बताओ, ताकि फिर मुझे समझ में आ जाए, है ना? ओके सर। वैसे समझ में आ जाएगा तो फिर उस पर कुछ सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है। यस, सो आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि आज के जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो शायद हो गया है। ओके सो यस फ्रेंड्स, इट्स 7:23, वी हैव मोर 5 मिनट्स टू कंक्लूड। अगर आपके कुछ टॉपिक से रिगार्डिंग सवाल नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं वैसे, ठीक है, और जिनके भी कुछ अदर सवाल है उनको हम 5 मिनट तक एंटरटेन कर सकते हैं, और ठीक है, सो अदर्स कैन लीव नाउ।